मैं बात कर रहा हूँ हिटलर के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हिटलर ने ज्यूइश लोग को 30 लाख से ऊपर ज्यूइश लोग को जो मारा था, उसको ये लगता था कि जो ज्यूइश लोग हैं इनके पास क्या है, प्योरिटी नहीं है, ये शुद्ध नहीं है। आखिर हम जानेंगे कि प्योरिटी होती क्या है और इससे क्या फ़ायदा है। अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा कार्बनिक या बॉडी के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे क्या होता है, उससे यही होता है कि हमारे पास शरीर तो दिखता है, बहुत मोटा तगड़ा दिखता है, लेकिन जो हिम्मत के मामले में वो हमारे पास लड़ने की क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और ये लड़ने की क्षमता और प्योरिटी आती कहाँ से है, या तो हम ईश्वर के शरण में रहें या तो फिर संघर्ष करें, दो ही चीज़ ऐसा है जिससे ये प्योरिटी आती है। इसीलिए इनको लगता था कि हिटलर को लगता कि ये लोग हमको कहीं ना कहीं से क्या करेंगे, हमको लड़ाई के मैदान में हरा देंगे, जिसकी वजह से मुझे हारना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है कि जिसके पास कॉन्फिडेंस अगर अच्छी नहीं है, कॉन्फिडेंस कम है, या उनके पास प्योरिटी नहीं है, तो वो क्या होता है, निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। और निगेटिव सोचने का परिणाम ये है कि अगर हम कोई ऐसा वॉर या कोई लड़ाई या कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा क्या होता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है। और जो बड़ा काम होता है उसमें उनको फ्रस्ट्रेशन बार बार आता है और एक जगह वो स्टैंड नहीं रह पाते हैं। वो 10 तरह की सोचने लगते हैं, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे नहीं हुए, और क्या बोलते हैं, मैंने मकान नहीं बनाया, मैंने दुकान नहीं खोली, मैं सक्सेस नहीं हुई, ये सारे चीज़ों के बारे में सोचते सोचते जो बड़ा काम होता है उसको वो पीछे छोड़ जाते हैं। उनको लगता है कि लाइफ मेरा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। और जो लोग प्योर होते हैं उनको क्या होता है, इस इंजॉय शब्द से दूर रहते हैं, क्योंकि इस लाइफ का ही प्रोसेस है कि इस धरती पर कोई इंजॉय नाम का चीज़ नहीं है। अगर जब भी हम इंजॉय करने की कोशिश करेंगे उस समय मेरी हाइट क्या हो जाती है, वो छोटी हो जाती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा किस पे केयर करना चाहिए, प्योरिटी पे केयर करना चाहिए। अगर हम देखें कि हम समाज में रह के प्योर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, अगर हम देखें यहाँ पे जो ऑक्सीजन आता है उसमें भी बहुत सारे पोल्यूटेड गैस होते हैं, जिसके वजह से हमारे पास क्या होता, प्योरिटी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो बहुत सारे जो मॉन्क होते हैं, बहुत सारे साधु होते हैं, वो क्या ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे क्या है, उनको प्योर ऑक्सीजन मिल सके, जहाँ पे वो स्ट्रगल कर सके। अब हम सोचेंगे कि हम लोग जो है इस प्योर को छोड़ के जो कन्फ्यूज़न वाला आइडिया आया वो क्यों हम लोग इससे ज़्यादा प्रभावित। अब जैसे हमारे पास जो भी लूटपाट का आइडिया आया वो मुस्लिम अटैकरों के द्वारा आया, जो एक घर बना के या एक संस्था बना के लोगों को लूटने का जो काम हम करते हैं वो हमारा अंग्रेज़ों से आया। हमारा जो ओरिजिनल विज्ञान था वो किसके पास था, वो साधुओं के पास था, जो क्या करते थे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोसेस पे चलते थे, जिसको हम लोगों ने क्या किया, धीरे 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 समय के साथ उसको पीछे छोड़ दिया। और जिसके वजह से आज जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसी के वजह से। हम लोगों का जो पॉलिसी ये हुआ करता था कि किसी भी जीव से हमारा क्या होता है, पॉजिटिव रिस्पांस होता है, और वो लोग उस एरिया में जाके और वहाँ से भी क्या है, अच्छे अच्छे जो साइंटिफिक रिसर्च किया है और देश को डेवलप करने के लिए बहुत सारे किताबें लिखी है, बहुत सारे तरीका दिया है जो हमारे पॉजिटिव यूज़ के काम में आता है।